गाइस, वेलकम टू माय चैनल घर का देसी स्वाद। आज हम बनाएंगे ब्रेड ढोकला, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जब कभी ढोकला खाने का मन है लेकिन किन्हीं कारणों से हम बाजार नहीं जा सकते हैं, तो आप इसे आसानी से 5 मिनट में रेडी करके खा सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। 4 पीस हमारे पास ब्रेड है। ये ब्रेड आप चाहे मैदे के लिए या आटे के भी ले सकते हैं। और हमारे पास आधा स्पून नींबू का रस है, आधी कटोरी हरी धनिया की चटनी, आधी कटोरी हमारे पास इमली की चटनी है, और ये 2 स्पून टोमेटो केचप, हाफ बाउल हमारा कर्ड है, खट्टा दही होना चाहिए इसके लिए, और आधा चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नारियल जो कि कद्दूकस किया हुआ है, 8 से 10 पत्तियाँ करी पत्ता है, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच राई का, और ये 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। चलिए सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम ब्रेड के इसके साइड्स को कट कर लेंगे। इस तरीके से ब्रेड के चारों साइड्स को हमें कट करना है। जो इसके जो साइड्स निकलेंगे इनका भी यूज़ कर लेंगे, चाहे तो इन्हें हम पकौड़े जब भी बनाएं तो उसमें इसे कट करके डाल सकते हैं। पकौड़े बहुत ही क्रंची बनेंगे हमारे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह सारे स्लाइड्स को अलग करके चारों को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे स्लाइसेस हमारे बनके रेडी हो गए। अब मैं राई का तड़का इसमें बनाने के लिए रेडी कर लेती हूँ। पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ये देखिए, ऑयल गर्म हो रहा है अच्छे से। इसमें हम राई डाल देंगे चटकने के लिए। देखिए, राई से जो चटक गया, इसमें करी का पत्ता भी डाल देंगे, हल्दी भी डाल दिया। उधर हमने पानी भी गर्म कर लिया, 1 कटोरी करीब अच्छे से गर्म करके फिर निकाल लिया। चलिए, हमारा छौंका रेडी हो चुका है। देखिए, पानी अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और जो हमने चीनी लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे, और ये लेमन जूस। लेमन जूस बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, क्योंकि ऑलरेडी दही हमारे पास खट्टा है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे ताकि ये पानी ठंडा हो जाए, तभी हम इसे ब्रेड पे लगाएंगे। और ये जो हमने स्लाइसेस ली थी, अब इन स्लाइसेस पर एक एक करके सबसे पहले इसमें हम ये ग्रीन वाली चटनी लगाएंगे। ये धनिया की चटनी है। इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं इस पर। देखिए, इसमें चटनियाँ लगाना से अच्छा रहता है, ताकि सब में थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है ब्रेड। दूसरा हमने लिया इमली की चटनी, इसे भी इसी तरह से स्प्रेड कर देना है। और थर्ड लेयर में हम लेंगे टोमेटो केचप। ये देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है, ग्रीन येलो और रेड का। इस वाले में भी हम दही में भी हल्का सा नमक ऐड करेंगे। नमक को ऐड करते हुए इसमें दही दूसरी वाली स्लाइस पे हम दही लगाएंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से भीग जाए और सॉफ्ट हो जाए हमारी ब्रेड। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी भी बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से चारों ब्रेड को हमने रेडी कर लिया है। अब ये दही वाली ब्रेड सबसे नीचे, उसके ऊपर ये ग्रीन वाली ब्रेड,
ग्रीन वाली ब्रेड के ऊपर ये, और ये येलो कलर की ब्रेड सबसे लास्ट में। इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। अब इसे नाइफ की हेल्प से पीसेस कट कर लेंगे। ये कितना स्मूथ हो रहा है, कितना टेस्टी। इस तरीके से पीसेस कट करने के बाद में हम इसमें ये जो नमक चीनी का घोल था इसमें ऊपर से डालेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट देता है क्योंकि इसमें नींबू भी है, नमक भी है और चीनी भी है। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी बन के रेडी भी हो गया है। अब लास्ट में से हम ये देखिए इसके ऊपर जो हमने बघार रेडी किया था उसे इस तरह से स्प्रेड कर दें क्योंकि इसमें हल्दी पड़ी हुई है तो इसका कलर भी अच्छा सा येलो सा आ जाएगा। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से चारों ब्रेड पे अच्छे से इसे लगा देंगे। देखिए दोस्तों हमारा ढोकला बनके रेडी हो गया। इसे हम सर्विंग प्लेट में रख लेते हैं इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी हमारा ढोकला आया है। ये खाने में भी उतना ही अच्छा है जितना आपको देखने में लग रहा है। देखिए इसे इस तरीके से प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे नारियल के ऊपर बुरादे से इसे अच्छे से सजा देंगे ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसे टोमेटो केचप के साथ में खाएंगे या आपको जो भी मनपसंद चटनी हो उसके साथ में खा सकते हैं। दोस्तों इससे ढोकला बनकर हमारा रेडी हो चुका है। आई होप है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।